गलत कर हुआ तुरंत आपको खाएगा। इनर कॉन्शियस इज फाइटिंग, अंदर खाता है। कौन खाता है? बुद्धि। कहेंगे आज आपने झूठ बोला, आज आपने गलत काम किया। आप शांति से सो नहीं सकते, आप योग में बैठो, योग नहीं लगे, बार बार वो विचार आएगा, बुद्धि आपको बार बार टोके, आज आपने गलत कर दिया। तब दुनिया में कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल कैसा? बुद्धि। बुद्धि का नाम स्वच्छ। अगर आपने सारा दिन कर्म ज्ञान के अनुसार कोई भी गलत काम किया, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, बुद्धि आपको बार बार रियलाइज कराएगी, आज आपने ऐसे किया। आज आपने दूसरों को किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता, तो आपका आज योग क्यों नहीं लग रहा? आज बात नींद क्यों नहीं आ रही है? आज चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं है कि मैंने कुछ कर्म गलत किया, श्रीमत के विरुद्ध किया? मुरली फिर से पढ़ना, आज बाबा ने क्या कहा? क्योंकि दिल साफ नहीं है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, वो बताती है। बुद्धि को कहते आप मैं। मैं कौन? ये बुद्धि। मेरा मन बुद्धि के लिए, मेरा मन गलत गलत सोच रहा है, मेरे ये संस्कार। एक और बोल रहा हूं मैं, व्यक्ति नहीं बोल सकता, बुद्धि को पता है ये मेरा, मेरे ऐसे संस्कार है, मेरा मन ऐसा करता है, न चाहते ऐसा सोचता है। तब का ज्ञान से सत्संग से सदगति होती है। अगर आपके संस्कार मन के जो चंचलता को परिवर्तन करना चाहते हो, तो ज्ञान को किस प्रकार आत्मसात करना चाहिए? सिर्फ सुनने से पढ़ने से कभी भी किसी का, आपका ने हम भी सुना लिखा भी है, आप मुझे शाम को पूछो याद नहीं रहे। आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई है। आप पूछेंगे कैसे कहते तमो प्रधान बनी? हम 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, अभी भी आप देख लो उखड़ा देख ले प्राणी किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। स्वप्न कई बाहर से नहीं आते हैं, आत्मा ने शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किया है वो सब अंदर भरा है। संचित कर्म का कई से नहीं आता है। रात को आंखें बंद करके सोते हो, देखना स्वप्न कहां से आते हैं, कहीं से नहीं आते। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा चाहे आईने में दिखाई देगा, ये मुखड़ा आत्मा का रात को दिखाई देगा। तो वो पाप आत्मा सत्युग में जा सकेगी, परमधाम जा सकेगी? तब सोचना ये बीमारी क्यों, ये व्यक्ति ऐसा गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरे जीवन में समस्या क्यों, ये विघन क्यों? इन सब का कारण डॉक्टर कुछ करेगा, इधर ठीक करेगा, कल इधर से आएगा। किए हुए पाप, तब कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। आप कहेंगे मुझे पता नहीं था, हाँ फाइन भरो, चाहे लाख करो चतुराई लेप मिटे ना ले। सिर्फ एक ही चांस शिव बाबा देता है सारे कलम में। बच्चे मैं स्वयं इस धरती पर आता हूं और मेरे श्रीमत के अनुसार दोनों सिखाए, कर्म करने के लिए भी बताया, मुरली सुनने के लिए बताया, योग करने के लिए बताया। ऐसे नहीं, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को मिटा नहीं सका। तपस्या करने से नहीं, 24 घंटा 2 बजे उठ करके भी आप बैठो, नहीं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। आप जानते भी हो, एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। 1 साल या 10 साल रखो, 1 मिनट में उस कागज को जला सकते हो। कोई चमत्कार जादू नहीं है, विधान है। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पर पकड़ के रखो, सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होती है, 1 सेकंड के अंदर उसको राख कर सकते हो। ये जादू नहीं है,
चमत्कार नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये साइंस पे हमको विधि बनाना है। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी एक स्पिरिचुअल साइंस है, वो फिजिकल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। यहाँ भी शिव बाबा ने कहा, चे अगर आप अपना पाप मिटाना चाहते हो, योग अग्नि में भस्म करना चाहते हो, उसकी भी विधि बताए। बच्चे आपके पास दो हाथ है, मन और बुद्धि। इन मन बुद्धि को एक करो, अब मेरे से जोड़ते हो तो वो शक्ति इस पाप रूपी कागज को भस्म कर देगी, योग अग्नि चाहिए। जैसे स्कूल में साइंस ने करके दिखाया, सेम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस है।